तो क्वेश्चन 12th है असर्शन एंड रीजनिंग। तो अगर आपको ये सॉल्व करने नहीं आता तो अभी एक बार सिखा दे रहा हूँ, बाद में नहीं सिखाऊंगा। तो इसमें क्या होता है, दो चीज़ दिया रहता है, एक असर्शन होता है एक रीज़न होता है, दोनों में कुछ लिखा रहता है। समझो अगर असर्शन हो तो उसमें लिखा है समझो कि आपने समोसा खाया, ठीक है, उसके बाद रीज़न लिखा है कि चटनी के साथ खाया। अब आपने समोसा चटनी के साथ खाया, दोनों अगर ज्वाइन करोगे तो मैच कर रहा है ना, तो देखो मतलब ये हो जाएगा असर्शन रीजनिंग दोनों भी करेक्ट है और दोनों भी मैच खा रहे हैं, रिलेटेड है, करेक्ट एक्सप्लेन किया गया है। तो उस टाइम पे अगर आपका आंसर करेक्ट होगा और सही से एक्सप्लेन होता रहेगा तब आप ऑप्शन ए चुनोगे कि बोथ ए एंड आर ट्रू और रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, यानी जो ये रीज़न दिया गया है वो करेक्ट एक्सप्लेन करता है असर्शन को। अगर देखो आपका दोनों भी करेक्ट है लेकिन रीज़न करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, जैसे कि आपने समोसा खाया बाद में जाके पानी पिया, अगर ऐसा रहेगा दोनों सेम तो दिख रहा है, यानी कि आपने खाया फिर पिया होगा लेकिन मैच नहीं कर रहा है जैसे चटनी के साथ कर रहा था, उस टाइम पे आप बी चुनोगे। अगर ए ट्रू रहेगा आर फॉल्स रहेगा तब आप सी चुनोगे, या फिर ए फॉल्स रहेगा आर ट्रू रहेगा तो आप डी चुनोगे। तो ये होता है असर्शन एंड रीजनिंग, आपको ऐसे चूज करना है। अब इधर देखते हैं क्या दिया है। असर्शन, डेमोक्रेसी इज एन अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, यानी कि देखो हमें बताना है कि ये करेक्ट है कि नहीं, पहले देख लो ये करेक्ट है कि नहीं। तो ये करेक्ट है कि डेमोक्रेसी अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव और एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, ये करेक्ट है। अब कैसे करेक्ट है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, आपके जो चैप्टर है उसकी स्टार्टिंग में ये चीज़ दिया गया है। अब उसके बाद रीज़न देख लेते हैं। डेमोक्रेसी हैव रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड डिसीजन मेकिंग इन बेस ऑफ नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। तो देखो डेमोक्रेसी में क्या होता है, फेयर इलेक्शन होता है, प्रोसीजर के बेस पर इलेक्शन होता है। तो अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये दोनों भी वर्ड आगे पीछे ही आया है, ये स्टार्टिंग में जो डेमोक्रेसी इज एन अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव ये जो चीज़ है उसके ही पैराग्राफ में ये भी चीज़ लिखी गई है। तो दोनों भी रिलेट खा रहा है और आंसर दोनों भी करेक्ट है। अगर दोनों रिलेट खा रहा है और सेम है तो हमारा कौन सा होगा, ए ऑप्शन, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। तो ऐसे आपको करना है असर्शन एंड रीजनिंग।